नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो यूपीएसआई स्पेशल चल रही है, और जैसा हमने आपको बताया कि हम इस यूपीएसआई स्पेशल में सभी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो पिछली एक क्लास हो चुकी है हमारी, आज दूसरी क्लास ले रहे हैं। तो यूपीएसआई में सेकेंड क्लास है आज संविधान सभा। पिछली जो हमारी क्लास थी वो भी संविधान सभा का पार्ट वन था, आज संविधान सभा संविधान के निर्माण से का पार्ट टू है। तो अगर भाई आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप उसको पूरे को देख चुके होंगे, ठीक है। जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे लगा दिया है, उसको जरूर चेक करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें भाई। तो शुरू करते हैं संविधान निर्माण या संविधान सभा के बारे में पार्ट सेकेंड। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भाई कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, 389 टोटल सदस्य आए, और उसमें 389 में 15 महिला सदस्य थी। हमने ये बताया भारत विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। शुरू की जो मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव, उन सभी के बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। तो अब हमने बताया आपको पिछली वीडियो में, जो लास्ट में बताया कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। यहां तक हम आपको बता चुके हैं, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, एक ही बात है, ठीक है। और 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति का गठन होता है तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसमें कुल 7 सदस्य थे भाई, ये हम आपको बता चुके हैं। तो इनका काम क्या था, डॉक्टर अंबेडकर के जो सिस्टम था, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान कितना था, उन सब के बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम प्रारूप समिति के सदस्यों की। प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष हो गए। इसके बाद एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। इनके बाद थे बी एल मित्र, बीएल मित्र के स्थान पर फिर आते हैं एन माधवराव, बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं बीएल एन माधवराव, डीपी खेतान, इनके स्थान पर आते हैं टीटी कृष्णमाचारी, जो मैं शुरू में लिख रहा हूं वो शुरुआत में थे, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो बाद में आए हैं। इनका स्थान माधवराव ने लिया और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, ये 7 सदस्य थे भाई। किसमें भाई, हमारी जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के 7 सदस्य आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए ये दो ध्यान रखना, बीएल मित्र के स्थान पर माधवराव आए और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी आए। अब इनको याद करने का तरीका देखिए, सभी जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सभी जानते हैं। मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुए थे, तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद सादुल्ला हो गए, इनको भी हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं बाकी जो सदस्य हैं इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, बाकी सदस्यों का नाम हम कैसे याद रख सकते हैं, तो उनके लिए देखिए हम जो शुरू के हैं इनको भी हटा देते हैं, बीएल मित्र को और डीपी खेतान को भी हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर 5 सदस्य बच गए, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णाचारी, के एम मुंशी। तो इन सभी के नाम भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, गोपाल भगवान कृष्ण का नाम, कृष्णा भगवान कृष्ण, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल यानी भगवान कृष्ण, और माधव भी
एंड माधव राव का, मैं माधव का मतलब भी भगवान कृष्ण होता है। तो याद रखना जो पांच मेंबर है उनमें के नाम में कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हमारे प्रारूप समिति का गठन हो गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बने। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और बताना पड़ेगा हमें आपको। देखिए शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है जुलाई 1940 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिया उसके तहत संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, जुलाई 1940 में। तो इस समय डॉक्टर अंबेडकर भी चुनाव लड़ते हैं और डॉक्टर अंबेडकर लड़ते हैं बंबई से चुनाव, ये जरूर देख लेना भाई। बंबई उस समय का बंबई यानी आज का महाराष्ट्र और आज का गुजरात, उस समय बंबई शहर नहीं कह सकते भाई, बंबई उस समय एक राज्य हुआ करता था। तो बंबई से चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर अंबेडकर और इस चुनाव को हार जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग में आपसी सहमति बनती है और डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल यानी बंगाल से, पश्चिम बंगाल नहीं कह सकते, बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, बंगाल की सीट थी जैसूर कुल्ला, जहां से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, यानी डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर बन गए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भारत का विभाजन होता है और ये जो बंगाल की जो सीट थी जैसूर कुल्ला, ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। तो डॉक्टर अंबेडकर की जिस सीट से चुनाव लड़े थे वो कहां पहुंच जाती है, बांग्लादेश में, यानी डॉक्टर अंबेडकर दोबारा संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव, वो कहते हैं कि भाई देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरे संविधान सभा का या प्रारूप समिति को संभाल सकूं, मैं आपको निस्वार्थ सेवा दे रहा हूं, मैं इसमें कुछ टाइम दे सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, लेकिन पूरा काम करने के लिए आप डॉक्टर अंबेडकर को बुलाइए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहते हैं मुझे डॉक्टर अंबेडकर चाहिए ही चाहिए संविधान सभा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये सिफारिश करते हैं बीएन राव। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई के उस समय के प्रधानमंत्री वीएन खरे से बात करते हैं और एमएस जयकर के इस्तीफे के बाद डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से चुनाव लड़ाए जाते हैं और मुंबई की सीट से डॉक्टर अंबेडकर दोबारा से संविधान सभा में शामिल होते हैं। तो देखिए दोबारा से कहां से आते हैं, फिर बंबई से आते हैं। तो अब सवाल उठता है, अगर पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो पहले उन्होंने बंगाल का प्रतिनिधित्व किया, बाद में कहां से किया, बंबई से, विभाजन के पश्चात तो बंबई से रहे, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव मतलब बंबई से संविधान सभा में आ जाते हैं और संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। प्रारूप समिति पर ही बात चल रही थी हमारी, प्रारूप समिति का काम क्या था, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया कि बीएन राव जो थे, बेनेगल नरसिंह राव, फिर से लिखते हैं, बेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट को और अच्छी तरह से इंप्रूव करने का काम था प्रारूप समिति का। तो ड्राफ्ट बनाया पहले बीएन राव ने वो सौंप दिया प्रारूप समिति कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको डिटेल बना दीजिए। उन्होंने इशारा किया, उसकी डिटेल बताई प्रारूप समिति के सदस्यों ने, 7 सदस्यों जिनके मैंने अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। तो बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बीएन राव सभी ने मिलकर लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद यह हमारा ड्राफ्ट तैयार होता है। जब वो ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो प्रारूप समिति ने क्या बनाया, ड्राफ्ट बनाया, कच्चा काम बनाया। फिर उस ड्राफ्ट को संविधान सभा के सामने पेश किया जाता है और उस ड्राफ्ट पर संविधान सभा के में 3 वाचन होते हैं। संविधान सभा के कितने वाचन हुए, 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन होने के बाद, वाचन का मतलब भैया उस पर डिस्कस हो रहा है, वोटिंग हो रही है, इन सभी को वाचन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक, जब वे वाचन हो जाते हैं, संविधान सभा के हर एक मेंबर से पूछा जाता है कि भाई इस वाले पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो जितने भी पॉइंट थे, जितने भी अनुच्छेद थे, सभी पर डिस्कस होता है। जब सभी अनुच्छेद पर डिस्कस होगा तो ये लाजमी है कि सभी के बारे में वोटिंग हुई होगी, फिर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो उस समय फिर भाई सभी अनुच्छेद पर वोटिंग होती है। पूरी संविधान सभा में हजारों संशोधन होते हैं और हजारों संशोधन होने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो
तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। आपको इसके साथ साथ एक और याद रखना है, 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में आप लिखेंगे मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, ये ब्रैकेट में ये जरूर लिखेंगे आप। 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी, शुक्ल है ये, सॉरी इसको शुक्ल कर लेना भाई, ठीक कर लेना, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ या स्वीकृत हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का संविधान कब अंगीकृत या स्वीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949, लेकिन ये डेट भी आपको बहुत जरूर याद करनी है भाई। देखिए हमारा एक बहुत महान पुस्तक है संविधान, जिसको पूरा देश मान रहा है, उस महान पुस्तक की प्रस्तावना पहले पेज पर लिखी हुई है। प्रस्तावना की जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लिखा था हम भारत के लोग, आज 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने, उसकी अखंडता उसकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है, आत्मर्पित करते हैं संविधान को, आत्मर्पित करते हैं। तो जब उस पूरी प्रस्तावना, बहुत लंबी प्रस्तावना है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उस पर ये पहले पेज पर प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 डेट लिखी हुई है, और संविधान की उस महान पुस्तक के पहले पेज पर ये डेट भी लिखी हुई है, तो ये क्यों नहीं बन सकता क्वेश्चन, बहुत जरूरी है, बन सकता है भाई क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आपके याद होना भी जरूरी है, तो इसलिए इस डेट को भाई जरूर याद रखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसका महत्व क्यों है, तो इसलिए भूलना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये यूजलेस है, यूजलेस नहीं कह सकते आप इसको, विक्रम संवत के अनुसार है, शक संवत के अनुसार नहीं है, याद रखना हमारा जो देश का पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग, वो शक संवत के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर विक्रम संवत है, ये भी ध्यान रखना। ओके ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत होता है, लेकिन लागू नहीं होता। लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को आ जाते हैं भाई। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो मोटे तौर पर आपको याद रखना है, मोटे तौर पर तो आप यही याद रखेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं इसकी डिटेल में जाने से पहले कि भाई और क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल में जाने से पहले हम बात करते हैं कि 2 महीने का इंतजार क्यों किया। तो भाई 2 महीने इंतजार करने का कारण था कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में रावी नदी के तट पर, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया जाता है, 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास होता है, और उस प्रस्ताव के तहत 26 जनवरी 1930 को, यानी संविधान लागू होने से 20 साल पहले, स्वतंत्र होने से 17 साल पहले, 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाती है कांग्रेस। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। और भैया अगर हमारे देश की बात करें संविधान मतलब स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त को हुआ, तो हम तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, और उस दिन का महत्व बरकरार रखना था। हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए, इस चीज दिन को भूल जाते सभी, तो भारतवासी इस दिन को ना भूलें, ये डेट का महत्व रहे, इसीलिए संविधान को लागू करने के लिए यही डेट चुनी गई कि 26 जनवरी को ही हम संविधान लागू करेंगे। इसीलिए हम 26 जनवरी को संविधान लागू करके गणतंत्र बने, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये तो बात आ गई 2 महीने का अंतर क्यों आया। दूसरी बात, ये जो अंगीकृत या स्वीकृत हुआ, इस दिन एक और हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक मतलब कुछ हिस्सा, अंश, अंश से बना है आंशिक, तो संविधान का कुछ हिस्सा लागू हुआ। और यहां पर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ।
संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। अब ये आंशिक रूप से लागू कैसे होता है, तो भारत के संविधान में ये पूछते हैं आंशिक रूप से लागू का मतलब, इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए, इस दिन अनुच्छेद लागू हुए 15+1। अब ये एक का मतलब क्या, उस पर भी आते हैं। इस दिन 15+1 अनुच्छेद लागू होते हैं और इस दिन संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है, कब से, 26 जनवरी 1950 से। और जिस दिन संविधान लागू हो जाता है उसी दिन भारत क्या बन जाता है, उस दिन भारत गणतंत्र या गणराज्य बन जाता है। तो भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अब हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये 15+1 का मतलब क्या है, आंशिक रूप से लागू क्या हुआ। तो देखिए हमारे संविधान का एक अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 9394 394, अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 इस तरह से आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 60, ठीक है। अनुच्छेद 60 के बाद फिर आता है आपका अनुच्छेद 324 वगैरह, 380 वगैरह, 391, 392, 393 ये सारे ऐसे टोटल 15 अनुच्छेद डिटेल में लिखे हुए हैं। यह अनुच्छेद तथा ये सारे अनुच्छेद, यहां से यहां तक ये कितने अनुच्छेद लिखे हैं, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगे, और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ऐसा कहां लिखा हुआ है, 394 में लिखा हुआ है। तो देखिए 394 के अनुसार यह अनुच्छेद और 15 अनुच्छेद, तो 15 अनुच्छेद एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, एक ये है, तो टोटल कितने हो गए, 15+1, ये लागू होगा तभी तो ये लागू होंगे। तो उस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 394 की लैंग्वेज यही है, यह अनुच्छेद मतलब 394 तथा ये बाकी अनुच्छेद इस दिन लागू हो जाएंगे। ऐसा कब लिखा हुआ है, 394 में लिखा हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए, 15+1 लागू हुए, यहां तक ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरा लागू हो गया, लेकिन बीच में एक डेट और आती है भाई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। एक बात और याद रखना, अगर पूछा जाए कि कुल कितनी बैठक हुई, तो 11+1 हुई। तो 11+1 का मतलब क्या है, अगर इस लास्ट वाली बैठक को भी लगा ले जिसमें संविधान नहीं बर क्या बोलते हैं संविधान बनाने में कोई काम नहीं हुआ, संविधान पहले ही बनकर चले तैयार हो चुका था 26 नवंबर को ही, तो अगर हम इस लास्ट वाली को भी लगाते हैं तो 12 हो जाती है, लेकिन अगर 26 नवंबर तक लगाते तो 11 हो जाती है भाई, ठीक है। संविधान बनाने के लिए कितनी बैठकों का मतलब कितनी बैठकें की गई, 11 की गई। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, 12 हुई, 11+1 हुई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अब देखिए भाई, संविधान सभा जो थी इसकी अंतिम बैठक में कई चीजें होती हैं। पहली चीज, इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिस दिन अंतिम बैठक हो रही थी उस दिन भारत के संविधान पर 284 सदस्यों ने बैठक हस्ताक्षर किए, तो कब हुए, 24 जनवरी 1950 को हुए, 26 नवंबर को नहीं किए। दूसरी बात, ये जो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए, इनमें जो प्रथम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और जो अंतिम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम थे भाई, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, और भारत के पहले राष्ट्रपति अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जब हस्ताक्षर होते हैं इससे अलग एक काम और होता है, इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं 284 सदस्यों के, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और याद रखना, घोषित की में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचित इसलिए क्योंकि बाकायदा संविधान सभा ने एक सर्कुलर जारी किया कि भाई हम राष्ट्रपति का चुनाव करा रहे हैं, जिसको करना है इस फॉर्म को भर के दीजिए, लेकिन वो उस फॉर्म को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने भरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित माने गए हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है, राष्ट्रपति निर्वाचित करने का अधिकार तो संसद के पास है, तो भाई एक चीज और याद रखना, संविधान सभा की बात करते हैं जब हम,
संविधान सभा जो है दो रूपों में काम कर रही है। जब वो संविधान सभा के रूप में कर रही है तो उसका काम है संविधान निर्माण। जब वो संविधान निर्माण का काम कर रही है तो उस समय उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है, संविधान सभा ही संसद के रूप में भी काम कर रही है, जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती है तो उस समय उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे वो इसके अध्यक्ष होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा जी, तो अब संविधान निर्माण करने का काम तो हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे, जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में संसद का भी काम करती थी। तो संसद के रूप में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। संविधान सभा ने इससे अलग और को क्या क्या काम किया, तो संविधान सभा का एक काम तो है संविधान का निर्माण करना, सभी जानते हैं। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसके बाद संविधान सभा ने दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम किया हमारे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाने का काम भी संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने ही कहा कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य स्वीकार करते हैं अपने आप को, तो संविधान सभा ने ही भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य बना दिया। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य के रूप में जो हम शामिल हुए, उस संविधान सभा ने ही इसकी संस्तुति की थी या इसका बात मानी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया, संविधान सभा ने किया, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा का काम संविधान सभा के रूप में खत्म हो गया और फिर संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में भी काम कर रही है। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही है और अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने ही भारत के संविधान में पहला संशोधन किया 1951 में। तो ये संविधान सभा के कुछ काम है भाई, ठीक है, ओके। तो संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान लागू हो गया, तो संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। सभी जानते हैं, हर कोई बच्चा जानता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यह कब से कब तक लगा, 9 दिसंबर 1946 से। कब से कब तक, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। ये जरूर नोट कर लेना अगर नहीं पता तो किसी को, कि जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा वो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का समय है भाई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। संविधान में एक बात और आती है, संविधान जो है बनाने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन संविधान को पूछा जाए किसके हाथों से लिखा गया, तो अगर बात है लिखा गया तो संविधान किसके हाथों से लिखा गया, लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा। संविधान पर चित्रकारी की बात करें तो संविधान पर चित्रकारी करी नंदलाल बोस ने। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के हाथों से लिखा गया और चित्रकारी करी नंदलाल बोस ने। इससे अलग भाई, जब हम बात संविधान की करते हैं तो संविधान जब हमारा बनकर तैयार होता है, एक इसकी दो कॉपियां तैयार की जाती है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। मूल कॉपी को हाथ से लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने, उसी मूल कॉपी ओरिजिनल जो कॉपी है उसको नंदलाल बोस ने चित्रों से सजाया और उस मूल कॉपी को आज भी संसद भवन के पुस्तकालय में, कहां पर, संसद भवन का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें हीलियम के बक्से के अंदर रखा गया है। किसमें भैया, हीलियम गैस है जिस बक्से के अंदर, उसमें रखा गया जिससे कि वो खराब ना हो, ठीक है। तो भारतीय संविधान में यहां तक भी क्लियर है आपका, ओके। अच्छा जी, तो जब भारत का संविधान ये बनकर तैयार होता है, आपका पूरा बनकर तैयार हो गया,
26 जनवरी 1950 तक लागू भी हो गया। लेकिन एक सवाल उठता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वदेश लागू स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कैसे चला? तो ये जरूर नोट कर लेना कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, इसको कई बार 26 नवंबर 1949 भी मान लिया जाता है, लेकिन इस दौरान जो शासन चलता है वो हमारा शासन चलता भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और ये सब ऐसा होगा, ये हमारा लिखा हुआ अनुच्छेद 395 में, तो 395 अनुच्छेद क्या कहता है कि हमारा जो शासन चल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चल रहा है, तो अनुच्छेद 395 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1945 भारत से समाप्त घोषित किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 का, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वो भी समाप्त घोषित हो जाएगा अनुच्छेद 395 में। तो सिर्फ 395 और 394 में यही लिखा हुआ था, इनका काम भी खत्म हो चुका है। तो आज हम 395 को निरसित लिखते हैं, ठीक है, निरसित हो चुके हैं, इनका काम खत्म हो चुका है। तो अनुच्छेद 395 जो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 26 जनवरी 1950 को भारत से समाप्त घोषित हो जाएंगे और भारत का शासन किसके अनुसार चलेगा, भारतीय संविधान के अनुसार चलेगा। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यह था भैया भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, कैसे हुआ, संविधान सभा का योगदान, अन्य व्यक्तियों का योगदान सब। अब देखिए भाई संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, ये सब के बारे में आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि देखिए एक मतलब हमने वीडियो बनाई जिसमें हम संविधान के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो संविधान का निर्माण अब आपका क्लियर हो चुका अच्छी प्रकार से। अब संविधान की विशेषताएं और एक चीज हम उसमें प्रस्तावना भी जोड़ देंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या क्या कहती है, तो इसकी एक वीडियो हम आपके सामने अलग से पेश करेंगे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।